It's a very very good morning to you. Hope you guys are absolutely fine and healthy. So आप सब लोगों ने जो टाइटल है वो देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ. एंड यह इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने की बहुत दिनों से सोच रहा था, पर मैं कुछ अलग टाइप से बनाना चाहता. एक्चुअली मैं बनाना चाहता था लाइक विथ टेकिंग इंटरव्यू विथ अ डॉक्टर. एंड मैंने एक दो डॉक्टर से एक्चुअली बात भी किया था. एक एलोपैथी के डॉक्टर थे, उनका नाम था पीके नदास. वो आए हुए थे कोलकाता से, वीकली एक दिन आते हैं. एंड उनके साथ, वो नॉर्मल फिजिशियन है, उनके साथ मैंने पहले इस टॉपिक पर बात किया. बाकायदा मैंने उनका अपॉइंटमेंट लेके, उनका फीस दे के उनके साथ मैंने बात की, बट वो कैमरा के सामने आने से इनकार कर दिया उन्होंने. तो बट या इस टॉपिक पर बहुत डीपली बात हुआ, कुछ नॉलेज मिला उनसे. एंड एक और मैंने, एक होम्योपैथी की मैम है, उनके साथ मेरे फ़ोन पर बात हुआ था तो उन्होंने भी कुछ बताया. एंड उसके अलावा बाकी WHO के साइट्स वगैरह से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया. कुछ और भी ऑफिशियल ऑथोराइज जो साइट है वहाँ से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया, कुछ यूट्यूब वगैरह से. तो ओवरऑल मेरे को बहुत कुछ इस बारे में बोलना है, जो भी मेरे को पता है. एंड तो स्टार्ट करते हैं पहले कि व्हाट इज़ कोरोना वायरस. तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो जितने भी आप व्यूअर्स देख रहे हैं, आप सभी को कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा. डोंट बी स्केयर, डरिए मत. कोरोना वायरस मतलब वो वाला नहीं हुआ है, 19 वाला. कोरोना वायरस का जो ओल्ड जो भी वर्सन है वो सभी ने सभी को एक बार हुआ. क्योंकि कोरोना वायरस क्या है पहले ये बात जानते हैं हम लोग. कोरोना वायरस एक नॉर्मल फ्लू है, जो सर्दी खांसी वगैरह जो भी होता है वो सब कोरोना है. कहीं ना कहीं कोरोना का कोई ना कोई वर्सन है. तो वो सभी ने सभी किसी न किसी को कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा. तो अब बात है कि वो जो होता है वो हम लोग का बॉडी में एक इम्यून सिस्टम बोला जाता है, जो बॉडी का होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसके लिए बहुत सारे टीवी में बहुत सारा चीज़ ऐड भी देता है. रिवाइटल खाइए, तो फिर और क्या है, च्यवनप्राश खाइए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए. तो उन पर बात नहीं करेंगे अभी. तो ही बोल रहा था मैं कि इम्यूनिटी सिस्टम बोल के एक चीज़ होता है, जो उन रोग जो भी जीवाणु विषाणु आते हैं उनसे आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है. तो जो नॉर्मल कोरोना वायरस होता है वो आपका बॉडी इतना कैपेबल रहता है कि उनसे लड़ सके और उनसे आपको रिलीफ दिला सके. और अगर इनकेस आपका बॉडी कैपेबल नहीं भी होता है तो जो पैरासिटामोल वगैरह या फिर जो नॉर्मल दवाई मिलता है उनसे आपका बॉडी एक्टिव हो जाता है लड़ने के लिए. तो अब बात करते हैं कि अभी का जो कोरोना वायरस वो क्या है. वो एक हाई लेवल का फ्लू है, जो मतलब ईजीली नहीं जाता है और बहुत ज़्यादा, मतलब आपको मैं बता दूं कि जो वायरस होता है वो मल्टीप्लाई होते हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ फैलते रहते हैं. तो जो ये वाला, ये बहुत जल्दी जल्दी फैल रहा है. एंड मतलब सबसे ख़राब चीज़ है कि जैसे मेरा हाथ है, मैं ये हाथ इन्फेक्टेड है एंड ये किसी हाथ दूसरे हाथ से टच हुआ तो वायरस ट्रांसफ़र हो जा रहा है. तो बात कुछ ऐसा ही है. तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, एज़ यू नो, लगभग सबको पता होगा कि ये चाइना के वुहान सिटी से आया है. और अगर बात करें कोरोना वायरस के पूरे नाम की, तो ये एक्चुअली जो नया कोरोना वायरस है उसका पूरा नाम है नोबेल कोरोना वायरस 2019, जिसको हम लोग COVID-19 भी बोल रहे हैं अभी. एंड अगर सोर्स ऑफ द वायरस मैं बोलूँ तो सोर्स ऑफ द वायरस बहुत कुछ, अभी कुछ कंफर्म न्यूज़ नहीं है किसी के पास, नहीं है. क्योंकि बहुत कोई बोल रहे, स्टार्टिंग में सुनने में आया था कि वहाँ पर तो जो रॉ मार्केट है, रॉ मीट का मार्केट है चाइना में, वुहान में सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ का. तो वहाँ पर सभी तरह के, मीन्स सिर्फ चिकन मटन मछली ये सब नहीं, इसके अलावा बहुत सारे सांप, क्रॉकरोच और ऑक्टोपस, तो बंदर, बहुत कुछ का वहाँ पर जो मांस वगैरह है वो मिलता है. तो उस मार्केट से ये फैला है और ये कंफर्म है वहीं पर से कहीं पर फैला है. तो पहले सुनने में आ रहा था कि लोग वहाँ पर जो सांप खाते हैं, सांप के अंदर ये वायरस है और वायरस सांप से है इंसान में और इंसान से फैला है. फिर
फिर कुछ न्यूज़ आई कि चमगादड़ से पहले आया सांप में, सांप से आया इंसान में। फिर कुछ न्यूज़ आया कि वहाँ पर एक लैब है चाइना का जहाँ पर एक्सपेरिमेंट होते, तो वहाँ के साइंटिस्ट लोगों ने एक हथियार बनाने के लिए इसका यूज़ किया था। इन अलग अलग जीवों से कुछ एक्सपेरिमेंट करके जीन्स मिलाकर ये वायरस तैयार करने की कोशिश की गई थी, जो जिससे आप लोगों को पूरे दुनिया को कहर मचा सके उसमें। और ये वहाँ से लीक हुआ है, वहाँ से कहीं से लीक होकर पूरा फैल गया है। तो अब सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। एंड जो लास्ट वाला मैंने बोला उसके ऊपर एक और चीज़ मतलब वायरल हो रही है कि 1981 में एक बुक पब्लिश हुआ था, द आइज ऑफ डार्कनेस, जिनके जो राइटर है डीन कुंट नाम है उनका। उन्होंने अपने बुक में पेज नंबर 353 से 356 के बीच में कुछ मेंशन किया था अबाउट चाइना, कि चाइना के वुहान सिटी में एक वहाँ के साइंटिस्ट लोग एक ऐसा हथियार बना रहे, एक ऐसा मतलब जैव हथियार बना रहे जो मतलब पूरे दुनिया में कहर मचा सकता है, इवन पूरे दुनिया को मतलब तबाह कर सकता है। और उसका नाम उस वहाँ पर मेंशन किया हुआ था, वुहान 100। तो क्या है क्या नहीं, ये वायरस कहाँ से आया किसी को कुछ नहीं पता। तो अब बात करते हैं कि मतलब क्या सिम्टम्स है पहले। तो सिम्टम्स एज यूजुअल सभी जगह पर आपको बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपके गले में खराश होगी, खांसी होगा, चेस्ट में कफ जमेगा बलगम, एंड स्नीज होगा, नाक बहेगा, हेडेक होगा, उसके बाद पूरा बॉडी पेन होगा, एंड फाइनली बुखार। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। और अगर सिम्टम्स की बात करें तो मतलब नॉर्मल फ्लू में भी ये सब होता है, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में सर्दी खांसी में समझ में नहीं आता है, लेकिन जब बुखार होता है तो बॉडी बहुत ख़राब से कमज़ोर हो जाता है। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि पैनिक करने की कोई बात नहीं है, बिकॉज़ अभी जो वर्ल्ड का सिचुएशन है, लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है पैनिक करने से। पैनिक नहीं करें, क्योंकि देखिए ये वायरस ठीक है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, खास करके इंडिया में। अगर जो डेटा मिला है उसके हिसाब से इंडिया में 100 से ज़्यादा सस्पेक्ट है, और जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। एंड वर्ल्ड में जो डेथ का जो परसेंटेज निकला है वो है 3.4 to 3.5%। मीन्स अगर 1,000 लोग सस्पेक्ट होते हैं, 1,000 लोग ग्रसित होते हैं इस वायरस के चपेट से, तो उसमें से 34 से 35 लोगों की ही मृत्यु होगी। एंड वो भी किस बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर टोटली फिट, देन तो पहली बात आपको ये वायरस बहुत इजीली लगेगी नहीं। एंड अगर ये वायरस किसी के थ्रू आपके में आ भी गया, तो आप अगर थोड़ा सा केयर करोगे, अगर थोड़ा सा अपने आप को सही से रखोगे, खाना पीना थोड़ा सा फॉलो करोगे, विल रिवाइव बेटर एंड फास्ट। क्योंकि ये वायरस कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, वही चीज़ है, नॉर्मल फ्लू सर्दी बुखार होता है। एंड उसके बाद अगर इसका सही से केयर नहीं किया, अगर आपको पहले से कोई बीमारी या फिर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, देन डेफिनेटली क्या होगा कि आपका धीरे धीरे कोई ऑर्गन पर वो इफ़ेक्ट करेगा, जैसे चेस्ट ब्लॉक कर सकता है कफ से, और आपको निमोनिया, टाइफाइड वगैरह भी इससे हो सकता है, एंड धीरे धीरे किडनी फेल होगा या फिर कुछ भी होगा, तो यू कैन डाई। तो जो 2 मृत्यु हुई है इंडिया में वो हुई है अबव 60 के जो एक महिला थी और एक पुरुष थे, और वही 2 मरे हैं। एंड पूरा वर्ल्ड में भी यही है कि मतलब मोस्टली जो डेथ हो रहा है वो एकदम बच्चों का या फिर सीनियर सिटीजन्स का, बिकॉज उन लोगों में उतने ज़्यादा इम्यून सिस्टम उनका अच्छा नहीं है, या फिर पहले से कोई बीमारी है लाइक शुगर, अस्थमा, थायराइड वगैरह, तो उससे इफेक्ट होता है। सो बात यही है कि डोंट पैनिक। अब बात कर रहे थे हम लोग जो कि इसके लिए हम लोग क्या प्रिकॉशन लें। तो प्रिकॉशन तो सबसे पहले कि अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाएं, एकदम मत जाए। अगर आपको ज़रूरत मतलब ठीक है आपको मार्केटिंग करना सब्जी वगैरह तो आप मार्केट जाए, लेकिन आप ऐसे घूमते फिरते ना जाए। ट्रैवलिंग को अवॉइड करें जितने से जितना ज़्यादा हो सके, आप ट्रैवलिंग को अवॉइड करें,
हो क्या रहा है कि आपका खाना पीना से उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, हो रहा है ट्रैवलिंग से। अगर कोई वो वायरस इफेक्टेड आदमी आया है उस जगह में एंड उस जगह में आप भी हो, तो वो भले एयर में उतना नहीं होता, लेकिन अगर आपके सामने में है, अगर वो बंदा खांस रहा है कुछ भी कर रहा है, तो वो आपके अंदर जा रहा है। तो और ट्रैवलिंग तो एकदम मत करो प्लीज़, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है। दूसरा बात, आप जब भी कहीं पर जाओ तो यूज़ दिस, अगर आप कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो तो एक ऐसा आप मास्क ले लेना, जस्ट दिस, बिकॉज ये क्या होता है, अगला अगर पार्टी कोई अगर खांसे छींके तो दिस विल प्रोटेक्ट यू। एंड ये मास्क भी अच्छा है, MI का है, डबल लेयरिंग, एक इधर है एंड एक इधर है, डबल लेयरिंग है, तो इट हैज टू लेयरिंग, तो वायरस को अंदर जाने से बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है। बट वैसे गवर्नमेंट N95 मास्क सजेस्ट कर रही है। हाँ, अगर आप दिल्ली, बॉम्बे या फिर कोई हाईटेक सिटी में जहाँ पर ये फैल चुका है, केरला वगैरह जैसे हुआ, तो अगर उन सब जगहों पर आप हैं, तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट N95 वेन यू आर गोइंग आउटसाइड ऑफ द होम, लाइक मार्केट, लाइक नियर टू द एयरपोर्ट, नियर टू द रेलवे स्टेशन। तो N95 मास्क मैं बोलूँगा, अगर जैसे मैं आसनसोल में हूँ तो इधर में वैसा कुछ नहीं है, तो फिर भी मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने के लिए मास्क चाहिए, तो वो नॉर्मल एक डबल लेयरिंग वाला आप मास्क ले सकते हैं। दूसरा बात कि हाथ ना मिलाएं, तो वैसे हाथ मिलाने में नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि वेन यू टच समवन हैंड्स, तो वो वायरस ट्रांसमिट होता है एक हाथ से दूसरे हाथ में। जैसे अगर कोई चीज भी है, अगर ये चीज को मैं पकड़ा हुआ, इस हाथ में है वायरस है, तो ये इसमें लग गया एंड देन इसमें हो गया, और ये वायरस कोई भी चीजों पर 4 से 5 घंटे तक रह सकता है, तो हाथ ना मिलाए। नमस्कार करें सबको। दूसरा चीज, कभी आप बाहर से घर आए तो ऑलवेज यूज दिस, हमेशा हाथ धोए कोई भी अच्छा सा हैंड वॉश लेके, जिससे आपके हाथों में जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस है, वो धुल जाए पानी के थ्रू। तीसरी बात, यूज सैनिटाइजर, बिकॉज सैनिटाइजर से क्या होता है कि जैसे आप कोई भी जगह में, जैसे हर टाइम आप हाथ धोना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो यू कैन यूज सैनिटाइजर। ऑल्सो यू कैन लाइक, जैसे कोई मोबाइल है, जैसे मेरा मोबाइल सब रिकॉर्डर, मैं इसमें दिखा रहा हूँ, ये जो पीछे साइड होता है, या फिर इन सब जो अंदर छुपे हुए एरियाज होते हैं, इन सब जगहों पर इफ इफ इट इज पॉसिबल, तो थोड़ा सा सैनिटाइजर ले कॉटन में एंड जस्ट रख दे, ज्यादा नहीं, दिन भर में एक बार, मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, और जब भी गाड़ी वाड़ी चला के आए तो उधर में जाके सैनिटाइज से, हाथ में सैनिटाइज रख ले या फिर हैंड वॉश कर ले, क्योंकि ये जर्म्स मतलब फैल रहा है किसी भी चीज़ को छूने से। एंड सैनिटाइजर यूज़ करने के और रीज़न भी ये है कि मोस्टली हम लोग कभी भी कुछ भी होता है, जैसे ऐसे स्किन पर कुछ खुजली हो रहा है, कुछ नाक में कुछ हो रहा है, तो हम लोग मतलब क्या करते हैं, मतलब टच कर लेते हैं, ऐसे तो टच नहीं करना है अभी, क्योंकि होता क्या कि हाथों में, नाखून के इन सब जगहों पर, यहाँ पर होता है जो वायरस जमा होता है, एंड इफ़ यू टच आर लिप्स, नोज, आईज, इन तीनों जगह से पूरा जाता है, एंड फेस पर भी अगर हम लोग का वायरस लग गया तो यहाँ से भी अंदर सांस के थ्रू जा सकता है, तो इसीलिए हम लोग अवॉइड करेंगे फेस को हाथ देना। एंड इफ अगर फेस में हम लोग हाथ देंगे भी, तो पहले थोड़ा सा ये लेंगे एंड इट जस्ट पहले इसको कर लेंगे, आपको एक प्रोटेक्शन मिल गया, फिर यू कैन डू दिस एनीथिंग, बट प्लीज़ ट्राई करो कि अपने हाथों को अपने फेस से थोड़ा दूर रखो, एंड स्पेशली अभी कुछ दिन जब तक ये कहर चल रहा है। अब इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो डाइट रूटीन अपना सही बना के रखें, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह अपने इसमें ऐड करें, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स अपने खाने पीने में ऐड करें, बिकॉज ड्राई फ्रूट्स क्या है कि आपको बॉडी में गर्मी देगा, दूसरा चीज़ है आपकी इम्यून सिस्टम को सही बनाए रखेगा, तीसरा चीज़ उसमें अलग अलग जो प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स जो भी है वो आपको मिलता रहेगा। बाहर का खाना एकदम अवॉइड करें। ऐसे तो मांस मछली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये वायरस 30-40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर
ये वायरस नहीं रह सकते, तो वेन यू कुक योर मील प्रॉपरली तो उधर में आपका वो वायरस वहीं पर मर जाएगा। बट फिर भी अगर मेरा सजेशन माने तो इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो अभी कुछ दिन तक, ज़्यादा नहीं, इधर 15-20 दिन 1 महीना थोड़ा सा नॉनवेज से दूर रहें। बट ये कंपलसरी नहीं है, बिकॉज़ WHO ने भी बोल दिया कि जो भी खाओ, अंडा खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, इवन कोई सब्जी भी खाओ तो कच्चा मत खाओ, उसको सही से मतलब कुक करके खाओ। एंड सिट्रिंस फूड जो होता है, जो वाइटामिन सी वाला जो है, फ्रूट्स होता है उसको यूज़ कर सकते हो आप। और फ्रूट्स भी जो यूज़ करो, जैसे एप्पल वगैरह अगर आप खाओगे तो उसको अच्छे से गर्म पानी में पहले धो लो 2 से 3 मिनट तक सही से, उसके बाद ही फ्रूट्स यूज़ करो। नहीं तो उधर में भी कुछ भी, अब मैं सिर्फ इस वायरस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह दिए हुए रहते हैं तो वो लगा हो रहता है उसमें, कोई कोई फल वगैरह में अपना वाइट वाइट लगा हो रहता है तो वो रहता है पेस्टिसाइड्स, तो वो भी हार्मफुल हो सकता है अभी। और अगर बात करें तो एज आई टोल्ड यू कि मैंने एक होम्योपैथिक मैम से बात किया था, तो उन्होंने मेरे को बताया था एक रॉ दवाई होम्योपैथी का, जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम 30। तो आर्सेनिक एल्बम 30 एक दवाई है, वो क्या होता है, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर आपको अभी नहीं है वायरस तो आप उसको 3 दिन सुबह, 3 से 4 दिन सुबह 2-3 बूंद करके पानी में मिला के, हल्का ल्यूक वार्म वाटर में मिला के उसको यूज़ कीजिए, इट विल इम्यून बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, तो वो सही चीज़ है। उसके अलावा आप पतंजलि का ये जो है गिलोय घनवट्टी, ये पतंजलि का है, कोई भी कंपनी का और भी आता है बट पतंजलि मेरे को थोड़ा सा ट्रस्टेड लगा तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो गिलोय यूज़ कीजिए। गिलोय जो रहता है, गिलोय का अगर जो लकड़ी रहता है वो अगर मिल गया तो सबसे बेस्ट है, बिकॉज़ वो आपकी इम्यूनिटी को जो बूस्ट करता है ना, बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। तो वो आप गिलोय, मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि आप गिलोय यूज़ करें। उसके अलावा आप आंवला वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो च्यवनप्राश सुबह उठ के आप च्यवनप्राश 1 चम्मच करके खाइए, फिर रात में सोने टाइम गर्म दूध में हल्का हल्दी, हल्का वो गोल मिर्च होता है उसको पीस करके ये सब दे करके खाइए, तुलसी पत्ता का सेवन कीजिए, ये सब आपको मतलब नेचुरल चीज़ है, इन सब से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। एंड दूसरी बात है कि ये आपको हेल्प भी करेगी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ रूटीन अपना सही कीजिए, लाइक पहला बात स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा चीज़ है सुबह उठ के मेडिटेशन कीजिए, 2 से 3 मिनट आँख बंद करके बैठिए और कॉन्सटेंट योर माइंड, या फिर ओम का कीजिए, बॉडी में जो वाइब्रेशन होगा वो सही है। दूसरा है रामदेव बाबा का जो आसन है, 2-3 आसन, तो डोंट लाफ, वो 2-3 आसन आप कर सकते हो, वो भी बहुत सही रहता है। तो रामदेव बाबा का 2-3 आसन आप कर सकते हैं, लाइक जो अनुलोम विलोम होता है, ये 5 मिनट कीजिए, फिर ये कर सकते हैं जोर तेजी से सांस लेना तो सांस छोड़ना, और एक है कि आप जो सांस लीजिए और हल्के से छोड़िए, ये क्या है, ये आपका जो लिवर सिस्टम है उसको सही करता है, आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ये 3 आसन जरूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एंड इफ़ यू आर डूइंग वर्कआउट देन इट्स मच बेटर, आप वर्कआउट कीजिए और टेंशन मत लीजिए। तो आज के वीडियो में यही ख़त्म कर रहा हूँ, होप आपको बहुत हद तक मैं कुछ बता पाया होगा, कुछ समझा पाया होगा, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो एंड यू आर नॉट माई सब्सक्राइबर देन सब्सक्राइब द बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड सम इंफॉर्मेशन एंड सब मस्ती ऑफ माई लाइफ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।